सड़क पर इतने ज्यादा व्हीकल बढ़ गए हैं कि साधारण लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं। दो राइडर्स की बात छोड़ ही दीजिए, इसलिए हम लाए हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर जिनका अपने सुपर बाइक से रोड पर एक्सीडेंटली एक्सीडेंट हो गया। चलिए जानते हैं सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के वे बेताज बादशाह जो रोड को अपना समझने के चक्कर में धोखा खा गए। नंबर 1, अगस्त चौहान, प्रो राइडर 1000। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बेताज बादशाह अगस्त चौहान, जिनको लोग प्रो राइडर 1000 के नाम से जानते हैं, इनके यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर हैं और ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। यूट्यूबर्स की मीटिंग में शामिल होने के लिए अगस्त अपने दोस्तों के साथ आगरा से दिल्ली के लिए निकले थे और साथ में ब्लॉगिंग भी कर रहे थे। अगस्त अपने ब्लॉग में कह रहे थे कि अपने बाइक को 300 के स्पीड से भगाना चाहते हैं। ये रही वो क्लिप। अबे यार नींद तो खुल गया बस। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में उनका काल इंतजार कर रहा है। अगस्त का बाइक निंजा ZX टेनर यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे अगस्त ने बाइक से कंट्रोल खो दिया और बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया, जिसमें प्रो राइडर 1000 का कुछ ही छोड़ो बाद निधन हो गया। नंबर 2, जट प्रभजोत। यूट्यूब के दुनिया के फेमस ब्लॉगर जट प्रभजोत को कौन नहीं जानता। महंगी महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाले प्रभजोत एक बार नेपाल की राइड पर गए थे और हो सकता है कि नेपाल जाएं और अपने फैंस से न मिलें, तो उन्होंने एक मीटअप भी अपने फैन के साथ एग्जीक्यूट किया था। उस समय प्रभजोत ने निंजा बाइक परचेस की हुई थी। परचेसिंग के कुछ दिनों बाद ही हफ्ते भर के अंदर नेपाल में राइडिंग करते हुए एक मीटअप एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, तभी इनके बाइक के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है, जिससे जट का बाइक अनियंत्रित हो जाता है और उस बूढ़े आदमी को ठोक देता है, जिससे उस बूढ़े व्यक्ति का मौत हो जाता है और प्रभजोत का दोनों पैर खतरनाक तरीके से टूट जाता है। शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण ये बेहोश हो जाते हैं। खैर, दुर्घटना के 6 महीने बाद प्रभजोत अपने एक्सीडेंट वाले जगह पर ब्लॉगिंग करते हुए दिखे हैं। नंबर 3, करण सेनेगल। एक बार करण हायाबुसा लेकर हाईवे पर राइडिंग करने निकले थे। उस समय इनके बाइक का स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा का था। राइडिंग के दौरान इनके आगे एक तरफ लेफ्ट में कार और राइट में एक डंपर भी चल रही थी। करण के बाइक का रफ्तार इतनी अधिक थी कि टाइम पर ब्रेक ही नहीं लग पाया। फिर क्या था, करण कार से टकरा गए और इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के 15 सेकंड तो इनको कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो तो इन्होंने सेफ्टी गियर्स अच्छे से पहने हुए थे कि कोई बुरा घटना इनके साथ नहीं हुआ और बड़े इंजरी से बच गए। हाँ, कुछ माइनर इंजरी तो आई, लेकिन बाद में इन्होंने अपने फैंस को समझाया कि कभी भी ओवर स्पीडिंग मत किया करो। नंबर 4, श्रीमन पोटरू। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा हो और उसको कोई व्हीकल आके पीछे से ठोक दे, तो वो बंदा क्या करेगा। दरअसल यही केस 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले श्रीमन पोटरू के साथ हुआ। श्रीमन पोटरू हाईवे पर अपनी बाइक ट्राइम टाइगर 800 लेके चल रहे थे, तभी पीछे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्विफ्ट डिजायर कार चला रहा बंदा टाइगर को पीछे से ठोक दिया, जिससे टाइगर कार में ही फंस गया। एक्सीडेंट तो बड़ी जबरदस्त हुआ था, लेकिन टाइगर तो टाइगर है, न टाइगर को कुछ हुआ न ही उसे चलाने वाले श्रीमन कोटरू को। शुक्र है कि श्रीमन ने अपनी राइडिंग किट्स पहने हुए थे कि साफ साफ बच गए। कुल 4-5 लोग मिलकर ट्राइम टाइगर को घींचकर कार से अलग करते हैं और एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर पुलिस भी आते हैं, लेकिन श्रीमन केस को आगे नहीं बढ़ाते हैं और कार वाले से हाथ मिलाकर चले जाते हैं। नंबर 5, आमिर मजीद। आजकल लद्दाख ट्रिप पर जाना हर एक ट्रेवलर का मानो जैसे सपना है, चाहे भले रास्ता और मौसम खराब हो और वहां पहुंचने में 7 जन्म क्यों न लगे, फिर भी उनको जाना है। लद्दाख का वो जगह है पैंगोंग लेक, जिसे 3 इडियट मूवी के लास्ट सीन में भी दिखाया गया। यूट्यूबर आमिर मजीद जो अपने पल्सर 200 को लेकर लेह लद्दाख के ट्रिप पर जाते हैं और वहां से पैंगोंग लेक लेके जाते हैं, पर उनको क्या पता एक ब्लाइंड एक्सीडेंट उनका इंतजार कर रही होती है। दरअसल एक कार अचानक शार्प टर्न ले लेता है। आमिर ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। आमिर की पल्सर उनसे सट कर आगे गिर जाती है और बाइक के गियर्स डैमेज हो जाते हैं। फिर क्या था, आमिर को पल्सर सिर्फ 3रे गियर तक ही चलानी पड़ती है और जैसे तैसे पैंगोंग लेक तक जाते हैं और अपनी ब्लॉगिंग को कम्प्लीट करते हैं। इस लिस्ट में तो सिर्फ 5 यूट्यूबर है जिनका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अभी ऐसे कई यूट्यूबर है जिनका नाम लिस्ट में नहीं है। जिनका नाम लिस्ट में नहीं, उनमें से कुछ का नाम भी जाननी चाहिए। स्काईलार्ड, जिनका एक्सीडेंट के बाद ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। JS फिल्म के जसविंदर सिंह, UK 07 राइडर जिनका 2 शराबियों ने नशे में बाइक गिरा दिया था, एक्सेट्रा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन पॉपअप हो रहे वीडियोज को देख सकते हैं।